स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है हमारे पास अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन को आप शॉर्ट वर्जन में AM भी लिख सकते हैं, एब्रिवेशन के तौर पे अरिथमेटिक मीन AM। A स्टैंड फॉर अरिथमेटिक, M स्टैंड फॉर मीन, अरिथमेटिक मीन। अब स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक मीन क्या होता है पहले इसको डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरह से है, अ नंबर कैपिटल A इज सेड टू बी अरिथमेटिक मीन AM बिटवीन A एंड B, बिटवीन A एंड B इफ A कैपिटल A B आर इन AP। इसका मतलब है कि अगर एक नंबर कैपिटल A हो, अरिथमेटिक मीन होगा बिटवीन A और B के दरमियान, अगर A कैपिटल A और B R किस में होंगे, AP के अंदर। अच्छा, अगर ये AP के अंदर है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है कि आपके पास डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो आप इसमें लिख सकते हैं, इसमें से इसको माइनस कर दें और इसमें से इसको माइनस कर दें, डिफरेंस आपके पास क्या होगा, सेम। क्योंकि ये AP के अंदर है तो AP की प्रॉपर्टी है कि उसका डिफरेंस क्या होता है, सेम। अब आपने A निकालना है, A निकालने के लिए फिर आप इसको A को इधर लाना पड़ेगा, A को इधर लें और माइनस A को उधर ले जाएँ, तो ये बन जाएगा A प्लस A। ये उधर जाके प्लस हो गया और ये माइनस A उधर जाके प्लस हो गया, तो ये आपके पास बना 2A इज इक्वल टू A प्लस B। तो A आपके पास क्या बना, A प्लस B डिवाइड बाई 2। ये आपके पास फार्मूला बना अरिथमेटिक मीन का, ये हम आगे यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है 1 एक्सरसाइज 6.3। आपने अरिथमेटिक मीन मालूम करना है बिटवीन इन, ये जो आपके दो नंबर दिए हुए इसके दरमियान। अभी मैंने आपको ये फार्मूला प्रूव करवाया कि अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला होता है वो जो आपके पास दो वैल्यूज हैं उनको सम करके और दो पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। उसके लिए क्या करें, पहले आप इसको A लेट कर लें, इसको आप B लेट कर लें। अभी मैंने आपको अरिथमेटिक मीन का प्रूव करवाया, A प्लस B डिवाइड बाई 2, उस पर आप A और B की वैल्यूज पुट कर दें। जब आप A और B की वैल्यूज पुट करेंगे, इसको अब आप फ्रेंड्स क्या कर लें, सिंप्लीफाई कर लें बस। या के पास ये माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल, ये बनेगा 2 प्लस 2x के डिवाइड बाई 2। मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर लें, देखिए बस सिंप्लीफाई होता है तो 2 कॉमा ले लें, अगर होता है तो कर लें, नहीं होता तो रहने दें। ये इसको कट के कैंसिल कर दें तो ये क्या बन गया, 1 प्लस एक्स के, ये बन गया अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। वो नंबर्स क्या थे, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स के और 1 प्लस एक्स प्लस एक्स के, ये उनका अरिथमेटिक मीन। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर है 2 एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन है कि 518 आर टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। अब आपको दिया हुआ है 518 अरिथमेटिक मीन है ए और बी के दरमियान। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ए और बी के दरमियान है तो आपके पास क्या बनेगा, ए 5, 8 और बी, क्योंकि अरिथमेटिक मीन है किसके दरमियान, ए और बी के दरमियान। अगर ये ए और बी के दरमियान है तो आप इसको, आपको पता है ये ए और बी के दरमियान है तो आपने एक अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो क्या थी आपके पास कि अगर नंबर कैपिटल ए अरिथमेटिक मीन होगा बिटवीन ए और बी के दरमियान, तो फिर ये जो सीक्वेंस बनेगा वो किसके अंदर बनेगा, एपी के अंदर। जब ये एपी के अंदर बनेगा तो फिर आपको पता है ये प्रॉपर्टी क्या है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। उसको यूज़ करते हुए आपको पता है डिफरेंस क्या है, सेम है, क्योंकि सीक्वेंस किसके अंदर है, एपी के अंदर है। तो इसको यूज़ करते हुए मैं इसको लिख सकता हूँ 5 - A इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू B माइनस A। इसको लिख सकता हूँ, इसको बारी बारी आप 3 के इक्वल कर दें तो आपके पास यहाँ से A को आप उठा के उधर ले जाएं और इसको उठा के उधर लें तो क्या बनेगा, 5 - 3 और इसको उठा के ले जाएं बी 8 + 3, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2 और यहाँ से B क्या बनेगा, 11। अब फ्रेंड्स, ये तो मेरे पास क्वेश्चन निकला A और B। अब कहीं पर आप, एक तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, अगर आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, वो तरीका कार क्या है देखें। अब आपके पास ये है, क्वेश्चन ये है कि 5 और 8 अरिथमेटिक मीन है बिटवीन ए और बी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 है ये अरिथमेटिक मीन है बिटवीन ए और 8 के दरमियान, ए और 8 के दरमियान। इसका मतलब है तुम अरिथमेटिक मीन की जो डेफिनेशन है उसको यूज करते हुए इसको लिखना 5 = A + 8 / 2 लिख सकता हूँ। इसको ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, देखें ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें 10 = क्या बन जाएगा, ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो A + 8, तो A आपके पास मिला 10 - 8,
ए आर के पास क्या निकला 2, देखें वही चीज वही वैल्यू निकली है। इसी तरह बी को सॉल्व करने के लिए, बी को सॉल्व करने के लिए अब मैं देखिए जैसे मैंने ये चीज़ की थी, इसी तरह ये क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा अरिथमेटिक इन बिटवीन 5 एंड बी, तो 8 इजी करो क्या बन जाएगा 5 प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो इसको करने के लिए अब फिर वही जो मैंने पिछला प्रोसीजर किया था वही टेक्निक यूज़ करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 5 प्लस बी, आपने बी निकालना है तो 5 को उधर ले जाएँ तो ये रहेगा b इजिकल टू 16 माइनस 5, बी इजिकल टू क्या निकला 11। देखेंगे सेम वैल्यूज निकली हैं, यानी आप उसको इस ए टेक्निक भी यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप।